देखिए आज आपका मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में देखेगा अपन, दिस इज द टाइप आपका, देखो कौन सी है, कौन सी टाइप देख रहे हैं आप अपन, जे सिक्स इंटीग्रल ऑफ फंक्शंस हुज इंटीग्रेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, देखो के एफ इंटू ब्रैकेट के अंदर फाइव एक्स और उसके बाद फाइव डैश एक्स है, ऐसे क्वेश्चंस को हाउ टू सॉल्व आप कैसे करेंगे, तो वो आपका नॉर्म्स लिखी हुई है कि द इंटीग्रल ऑफ द फंक्शंस व्हेन एन एक्सप्रेशन फाइव एक्स अकर्स इन द इंटीग्रेंट हुज डीसी इज ए फैक्टर ऑफ द इंटीग्रेंट एंड इंटीग्रेंट आफ्टर लीविंग दिस डीसी ऑफ फाइव एक्स तो बिकम्स एन इंटीग्रेट फंक्शन ऑफ आपका ना दिस इंटीग्रेबल होना चाहिए, इंटीग्रेबल फंक्शन ऑफ फाइव एक्स, तो उस समय आप जेड इज इक्वल टू फाइव एक्स रखिए। अप्लाई द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑन विच विच एवर इज रिक्वायर्ड है, तो इसके आपका ए बी सी डी फोर नॉर्म्स हैं, अगर इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स ओवर एफ एक्स डी एक्स होता है तो उस समय देखो लॉग आप क्या करेंगे मॉड एफ एक्स लिखेंगे, अगर लॉग और इनवर्स सर्कुलर फंक्शन अगर आपका डिनोमीटर में अकर करते हैं तो उस समय आप जेड रख दीजिएगा, लॉग और इनवर्स सर्कुलर फंक्शन अगर आपका न्यूमरेटर में है और इसका जो आपका डीसी इज ए फैक्टर ऑफ इंटीग्रेंट है तो उस समय भी आप जेड के इक्वल रखेंगे, एंड इफ डीसी इज नॉट ए फैक्टर ऑफ द इंटीग्रेंट, अगर इसका डीसी इंटीग्रेंट नहीं है तो उस समय आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से इस सवाल को करेंगे, और इफ ई की पावर एफ एक्स अकर्स इन इंटीग्रेंट, अगर इंटीग्रेंट में ई की पावर एफ एक्स अकर करता है तो जेड इज इक्वल टू आपका एफ एक्स। मैडम ये आपका क्वेश्चन ऐसे होंगे, इनके नॉर्म्स आपका देखो ऐसे हो, तो ये आप अगर ये सोचे या कोई सोचे कि इंटीग्रेशन आपका वही, मैं बार बार रोज इसीलिए इसको रिपीट करता हूँ कि ये कोई जैसे आपने अभी बोला एनडीए में जो बच्चे निकलते हैं उनका एक सॉफ्ट हैंड आपका कहिए या आपका उनका प्रैक्टिस हैंड आपका जो होता है वो यही होती मैथ ही होती, तो जीनियस को कोई कहीं भी रोक नहीं सकता है, आप इतना एनी हो दुखी होने की जरूरत नहीं है। हर गलती से आदमी सीखता है, इतना याद रखिएगा, आगे जाकर के गलती नहीं करनी है, बस इतना याद रखिए। 1 प्लस कॉस एक्स की पावर 5 और साइन एक्स डी एक्स, मतलब आप सवाल आप बिल्कुल पहचानने कर दे पहचान लीजिएगा कि मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में टाइप 1 में क्या, टाइप 2 में कैसे क्वेश्चन है, टाइप 3 में कैसे क्वेश्चन है, ये आप बना देखो। तो ये आप अगर यहां पे आप देखेंगे ये है 1 प्लस कॉस एक्स की पावर 5 इज ए फंक्शन ऑफ ये 1 प्लस कॉस एक्स की आपका ये फंक्शन है जैसे, ठीक हो गया, एंड अगर आप डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स अगर आप करते हैं तो डिफरेंशिएशन आपका क्या होता है माइनस साइन एक्स होता है, माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स कैन बी रिटन एज माइनस 1 इंटू आपका क्या हो गया दिस इज साइन एक्स आपका, ठीक हो गया आपका, तो इसका मतलब माइनस 1 सेकेंड फंक्शन आपका हो गया, तो हेंस अब आप क्या करेंगे z इज इक्वल टू यू विल राइट 1 प्लस कॉस एक्स, माइनस 1 इंटू साइन एक्स माइनस 1 सेकेंड फंक्शन, माइनस 1 सेकेंड फंक्शन हो गया यहां पे, तो आपका उस समय आप z इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस एक्स करेंगे। तो ये आपने किया एक्स प्लस सॉरी डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी जेड इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस साइन एक्स डी बाई, एक्चुअल में ऐसे होता है डी बाई डी एक्स ऑफ जेड लिखते हैं आप इसको, तो बात कर लेते हैं डी जेड इज इक्वल टू माइनस साइन डी एक्स, कोई शक, अब आ जाइए इंटीग्रेशन ऑफ इन प्लेस ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स यू विल राइट दिस जेड जेड की पावर 5 इन प्लेस ऑफ साइन एक्स डी एक्स आपका नाम देखो दिस आपका माइनस डी जेड, दिस माइनस विल कम इन फ्रंट ऑफ दिस इंटीग्रल साइन जेड की पावर 5 डी जेड आ जाएगा, फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ डी सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन डी एक्स इज एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन
क्लियर। तो माइनस जेड की पावर सिक्स ओवर सिक्स और प्लस अगेन सब्सिट्यूट जेड इज इक्वल टू वन प्लस कॉस एक्स रख दीजिए तो माइनस वन प्लस कॉस एक्स की पावर सिक्स ओवर दिस इज योर आंसर। नाउ सॉल्यूशन नंबर टू क्या है क्वेश्चन इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स ओवर वन प्लस साइन एक्स। ये नॉर्म्स पूरी पढ़ी आप घर जाकर क्या बना तो ये और क्या है रूट के अंदर ओके यहां देखो तो हियर वन अपॉन रूट वन प्लस साइन एक्स इज आर इज अ फंक्शन ऑफ वन प्लस साइन एक्स का फंक्शन है पहले बना दे क्या जब आप इसका डी वाई डी एक्स ऑफ वन प्लस साइन एक्स करेंगे तो क्या आएगा इसका कॉस एक्स आता है ठीक हो गया कोई शक वन ठीक हो गया तो कॉस एक्स आपका क्या हो गया सेकेंड फंक्शन हो गया सेकेंड फंक्शन आप क्या करेंगे हियर जेड इज इक्वल टू आप क्या करेंगे वन प्लस साइन एक्स तो ना कॉस एक्स डी एक्स तो आपका ये सॉरी पहले मैं इसको दिखा दूं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू डी जेड इज इक्वल टू आपका नाम क्या जाएगा कॉस एक्स डी एक्स वन का जीरो हो जाता ठीक है तो ना अब आपका इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स की जगह डी जेड ओवर तो ना ये इक्वल टू जेड की पावर वन बाई टू में कन्वर्ट हो जाएगा पहले तो आपका देखो डी जेड की पावर जेड की पावर वन बाई टू में कन्वर्ट हो जाएगा एंड व्हेन इट विल कम इन द न्यूमरेटर तो जेड की पावर माइनस हाफ ऑफ द डी जेड हो जाएगा देन यू हैव टू इंटीग्रेट इट बाय द सेम फॉर्मूला ही आप सेम फॉर्मूले से आप इसको कर देंगे तो क्या आएगा जेड की पावर हाफ प्लस वन ओवर सॉरी माइनस हाफ प्लस वन और माइनस हाफ और प्लस वन और प्लस सेवन टू वन जा टू टू में से वन माइनस का गया तो आपका देखो तो ये आपका क्या आएगा जेड की पावर वन बाई टू ओवर ये वन बाई टू आपका प्लस सेवन ए इज सेपरेट एंड बी बाई सी इज सेपरेट आपका ए सी बाई बी हो जाएगा दिस टू विल कम इन फ्रंट ऑफ दिस तो जेड की पावर आपका वन बाई टू और प्लस सी आपका देन टू इंटू जेड का मतलब रूट जेड और प्लस सी ठीक हो अब आप करो सब्सिट्यूट द वैल्यू अब जेड की वैल्यू रख दीजिए तो टू इंटू रूट जेड की जगह मैं आप क्या लिख सकते हैं वन प्लस साइन एक्स टू इंटू रूट वन प्लस साइन एक्स एड प्लस आपका क्या हो गया सी क्लियर है पहले दिन दो को कर लीजिए फिर यहां पे नहीं आएगा फिर तो फॉर्मेट पहले डिफरेंशिएशन में कभी दिक्कत होती है इंटीग्रेशन में यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आप करा दो उसी प्रॉब्लम्स को सब तो ये नॉर्म्स के हिसाब से होगी उस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा एनी हो ये दो क्वेश्चन को आपका ना आप जरा होमवर्क में देख लीजिएगा वो बाहर एक शॉप खुल रही तो उसका थोड़ा सा कह रहे कि जरा डायरेक्शन दे दीजिए भले मुझे